पेश किया जा रहा है।
do not cry. मैं तकरीर के लिए यहाँ हाजिर नहीं हूँ, तकरीर करने के लिए लंदन को बुल गए हैं। वहां बेहतर से बेहतर कुछ मैं कर सकता हूं, वहां मेरे लिए पॉसिबिलिटी भी है, चांसेस भी है, लेकिन दोस्तों यहां नहीं। भविष्य से पहली बार एज ए सर्वेंट ऑफ इमाम अहमद रज़ा, एज ए डॉक ऑफ द चैंबर ऑफ द गेट ऑफ हुज़ूर आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पहली बार आया था, और आज भी मेरा वही स्टेट है। तकरीर के लिए आप जानते हैं कि तकरीरों का हंगामा जोर शोर पूरे मॉरिशस में है, लेकिन देखना यह है कि दीन की हिफाजत कहां हो रही है। देखना यह है कि ईमान को मजबूत कौन बना रहा है। देखना यह है कि ईमान की मजबूती कहां मिल रही है, कैसे मिल रही है और कौन दे रहा है। तकरीरों से मेरे दोस्त कुछ नहीं होता। आपको मालूम है आज की सारी दुनिया कुरान पढ़ती है, आज की सारी दुनिया अरब वर्ल्ड हदीस पढ़ता है, लेकिन हो क्या रहा है? ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मैं ऐसी बातें नहीं करता। अगर रसूल की मोहब्बत भी होती तो आज अरब सारी दुनिया पर हुकूमत करता। मॉरिशस के रहने वालों, इस एकेडमी में इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा क़ादरी रहमतुल्लाह तआला अलैह के कोर्स में एक दो दिन की बात है मेरे दोस्तों, यहां लोग आते ही और चले जाते हैं, दुनिया आती है और चली जाती है, लेकिन याद रखो शहंशाह बगदाद का पैगाम आया तो जाने के लिए नहीं आया। इमाम अहमद रज़ा क़ादरी रहमतुल्लाह तआला एक मसरत आया तो रहने के लिए आया, लोगों को मुसलमान बनाने के लिए आया, जाने के लिए नहीं आया। मैं पिछली बातें को आपको बताना नहीं चाहता, अगर आपको 1973 और 74 अगर याद हो तो आपको मालूम होगा इस मॉरिशस में क्या क्या हुआ। लेकिन खुदा का शुक्र है कि शहंशाह बगदाद के सिपहे इमाम जमीन है, हमारा अकीदा है कि इस जमीन का मालिक खुदा है। मेरे दोस्त, मैं आपको यह बताऊं, आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं जो हाजिर हुआ एक खतीब की हैसियत से हाजिर हुआ एज ए इमाम। आज भी पुराने लोग इमाम साहब कहकर मुझे बुलाते हैं और याद करते हैं, मैं उनकी मोहब्बत का शुक्रिया। लेकिन मॉरिशस की तारीख में, मॉरिशस की हिस्ट्री में एक इमाम आया, मगर वो सिर्फ इमाम नहीं था, मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम था। वो सिर्फ इमाम नहीं था,
मैनचेस्टर से जाओ, आप यहाँ मॉरिशस में रहते हैं, उन मॉरिशियन लोगों से पूछो जो पेरिस में आवा। खुदा का शुक्र है कि पेरिस में क्यों मॉरिशियन आज भी ऐसे हैं जिन्होंने अपने बाप दादा के दीन को कायम रखा। यूरोप में मेरे दोस्तों मनी मिलती है, यूरोप में क्वांटिटीज मिलती है, यूरोप में बैंगरो मिलता है, यूरोप में टीवी मिलती है, यूरोप में कार मिलती है, यूरोप में सी साइड और सैर तफरी के चांसेस मिलते हैं, लेकिन यूरोप में मेरे दोस्त ईमान नहीं मिलता, यूरोप में मसलक नहीं मिलता, यूरोप में यकीन नहीं मिलता जब तक आदमी उसके लिए कोशिश ना करे। खुदा का शुक्र है, इमाम अहमद रज़ा का पहला उर्स इस ये जो उर्स 74 एनुअल उर्स साल पहले मेरे दोस्तों जब इमाम अहमद रज़ा का उस मॉरिशस में शुरू हुआ, लोगों ने अपनी अपनी बातें शुरू कर दी। मेरे दोस्त पर बात करने वाले बात करते थे, बोलने वाले बोलते रहे, लेकिन इमाम अहमद रज़ा की मोहब्बत का हकीकत का असमत का कारवां चलता रहा। और ये कारवां ऐसा चला कि आज इस्लाम उर्स दोस्त, आपको काम बहुत करना है,
ए सर्विस मैन, एज ए सर्वेंट, एज ए वर्कर में यहां हूं। काम बहुत है और ईसा आपको मॉरिशस की तारीख में और मॉरिशस की तारीख में एक प्रचीन प्रोसेशन मॉरिशस के कोने कोने से निकालना प्रोसेशन की एक आदमी का काम है, दो और चार आदमी का काम है। मेरी तमन्ना यह है कि नबी का जुलूस, नबी की विलादत का जुलूस, नबी आदम ग्रेट ग्रेट प्रोफेट हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जुलूस और प्रोसेशन फराग से पता चलता है कि किस आदमी का ताल्लुक इमाम अहमद रज़ा से है, रियली कौन ताल्लुक रखता है, फिजिकली कौन ताल्लुक रखता है, एक्शन कौन ताल्लुक, आपको मालूम है, आप अच्छी तरह जानते हैं। किसी की शादी जब होती है अल्लाह को तो डेडिक सेरेमनी में दो आदमी दरवाजे पर खड़े होते हैं, एक लड़के वाला और एक लड़की वाले, दोनों खड़े होते हैं दरवाजे में लोगों को वेलकम करने के लिए। लेकिन वेलकम करने के साथ साथ लड़का वाला और लड़की वाला दोनों देखते हैं कि कौन आया और कौन नहीं आया। आने वालों को देखा जाता, आने वाला फैशी होता, आने वाला फ्रेंड होता, खुशी हो ना खरेबी हो ना अजैबी हो कोई नहीं। मेरे दोस्तों बुजुर्गों का उर्स भी इसीलिए है कि बुजुर्गों ने दीन के उर्स से पता चलता है कि अपना कौन है बेगाना कौन है। बुजुर्गों ने दीन का उर्स एक आईना होता है, एक ग्लास होता है, मिरर होता है और इस आईने में अपने भी पहचाने जाते हैं और गैर भी पहचाने जाते। हर आदमी अपना फेस इस लुकिंग ग्लास और एक और तो बुजुर्गों के नाम पर हर आदमी अपना अकीदा देख सकता है, हर आदमी अपना एक्शन देख सकता है, हर आदमी अपना रास्ता देख सकता है, हर आदमी अपना तरीका देख सकता है। खुदा की बेशुमार रहमतें हो आपकी दाम पर, ये आपने अपने सुन्नत जमात का एक ऐसा आईना लुकिंग ग्लास और मिरर हमें दिया कि हर आदमी अपना चेहरा उसमें अच्छी तरह देखे। इमाम अहमद रज़ा का नाम जो किसी
सिर्फ बीज हम का नाम नहीं है। इमाम अहमद रजा मुझे मुझे मेरी सुन्नत में इमाम अहमद रजा मुझे चीजें जिनों में गत है इमाम अहमद रजा ने रास्ता दिखाया है खाजे आजम खान शाहनशाह है अजमेर का इमाम हजरत के हुजूर इमाम अहमद रजा ने आला हजरत ने रास्ता दिखाया है शाहनशाह बगदाद का आला हजरत ने रास्ता दिखाया है फारूक आजम का हजरत मौलवी का इमाम अहमद रजा ने रास्ता दिखाया है मोहम्मद रसूल का हकीकत का यही वजह है कि औलिया कामली के मानने वाले इमाम अहमद रजा को जरूर मानते हैं क्योंकि इमाम अहमद रजा के बगैर विलायत की मोहब्बत सादियत की मोहब्बत रिसालत की मोहब्बत नबूवत की मोहब्बत इस दौर में कामिल नहीं होती। आज अल्लाह का उस हम लोग तो मेरे उस गरीब हैं और उससे तो ये कुछ हो सका थे एकेडमी बनाई है जानते हो कभी एकेडमी बन रही थी तो मुझसे क्या कहा गया था मुझसे कहा गया मौलाना यहाँ एकेडमी बनाने की जरूरत नहीं सारा पैसा आप लीजिए जेब में और पाकिस्तान जाकर आप कुछ बना लें। मैंने उनको जवाब दिया कि ठीक है पाकिस्तान में जो लोग बना रहे हैं वो बनाएंगे पाकिस्तान में जो कुछ होगा वो होगा लेकिन मॉरिशस में भी सुन्नी रहते हैं मॉरिशस में भी सुन्नी बसते हैं और सुन्नियों को भी ये राइट है और ये हक है कि इमाम अहमद रजा और होशे आदम के नाम पर एक ऐसी एकेडमी हो कि कयामत तक इसमें इमाम अहमद रजा का काम होता रहे और शहंशाह बगदाद की मोहब्बत का परचम बुलंद होता रहे। मेरे दोस्त आज से 20 साल पहले अंग्रेजी में हमारे पास लिटरेचर नहीं था लेकिन आज अंग्रेजी के बहुत लिटरेचर सुन्नी अरबी सोसाइटी पब्लिश कर रही है अभी सुन्नी अरबी सोसाइटी फ्रेंच में दो किताबें दो बुकलेट फ्रेंच में आ रही है इस एक वीक में तीसरी किताब ईदे मिलादुन नबी फ्रेंच में आ रही है चौथी किताब मेरे दोस्तों इमाम अहमद रजा एज ए साइंटिस्ट इसकी कॉपी भी मेरे दोस्तों सब तफीका से यहाँ आ रही है आज हमारे पास अंग्रेजी में लिटरेचर है आज फ्रेंच में लिटरेचर है मुसलमानों आगे बढ़ाओ और दीन मसलक और मजहब के लिटरेचर को मुसलमानों के एक एक घर में पकड़ो एक एक घर में पकड़ो। आज जो मुसलमान किसी ऑफिस में बैठा हुआ है उसके हाथ में देते सब दो और कहो कि तुम सिर्फ ऑफिस होल्डर नहीं हो तुम मुसलमान भी हो तुम्हें अपने ऑफिस के साथ साथ अपने दीन की और अपनी जात की हिफाजत भी करनी है। मेरे हिंदू मेरे दोस्तों अब ये कदम में आज सारी दुनिया में इमाम खिदमत का खुश हो रहा है सेवन स्टार होटल में फाइव स्टार होटल में बड़े बड़े मिनिस्टर चीफ जस्टिस राइटर थिंकर ऑथर बड़े बड़े लोग इमाम सुन्नत की बारगाह में नजराने अपनी जो पेश कर रहे हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि इस सदी में मोहम्मद सुन्नत की मोहब्बत को जिंदा करने वाला सुन्नत को नई जिंदगी देने वाला और किताब सुन्नत को मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत के आईने में पेश करने वाला जो शख्स है जो जात है वो इमाम अहमद रजा की जात है और उसके हवाले से कुछ बातें मैं आपसे अर्ज करूंगा हैरान आएंगे जी के ऊपर सुनिए इमाम अहले सुन्नत ने जब वो बिगिनिंग स्टेज में इब्तदाई दौर से जब वो गुजर रहे थे और ओवरट्रेन की अल्लाह ने जब उनको एज दिया तो उस वक्त दुनिया के उलमा ने उनको आलिमे अहले सुन्नत कहकर पुकारा। मेरे दोस्तों सुन्नत का नाम लेकर सुन्नत का नाम देना आसान है लेकिन
लोग अगर कुछ लोग अगर हक कहें हक कहें तो लोग उसके मुखालिफ होते हैं। आला हजरत ने शरीयत को जाना, शरीयत को माना, कुरान और हदीस की रोशनी में फतवा दिया और उस पर अमल करके दिखा दिया। नंबर एक अब सुनते रह गया मेरे दोस्त तो 30 साल से यहाँ हो गए और 30 साल से पहले 50 साल से मैं यही कह रहा हूँ। और जब मैं इमाम अहमदुल्लाह की बात करता हूँ तो ऐसा मालूम होता है चाहिए आई स्टार्टेड टुडे आज इतनी अजीब शख्सियत सुनिए मस्जिद कानपुर, कानपुर का नाम आपने सुना हो, कानपुर में मस्जिद का एक पुरुषन ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने हुकूमत ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यह फैसला किया कि मस्जिद का थोड़ा सा हिस्सा फुटपाथ बना दिया जाए लोगों के चलने के लिए, वॉकिंग करने के लिए, आगे जाने के लिए मस्जिद का थोड़ा सा हिस्सा लेकर और फुटपाथ बना दिया। फैसला किसका था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ये फैसला किसका था? अंग्रेज का। आज का हिंदुस्तान नहीं, मेरे दोस्तों 100-150 वर्ष पहले का स्ट्रॉन्ग इंडिया, स्ट्रॉन्ग अंग्रेज। फैसला ये हुआ कि मस्जिद का थोड़ा सा हिस्सा लेकर पूरे मुसलमानों को और दूसरे लोगों को नीचे से वार करने का, खाने जाने का मौका दिया। आप जानते हैं कि मुसलमानों के ईमान को पैसे से खरीदा जा सकता है, पैसा, मनी, पावर, मैजिकी समाने में मुसलमानों के ईमान को खरीदा गया। ऐसा सामने आया, मैजरिटी सामने आ गई, कुछ लोग हाथ बांध करके सामने आ गए, कुछ लोग नजराना दे करके सामने आ गए। को जाहिर नहीं किया गया क्योंकि ऑडियंस मेरे दोस्त सोसाइटी की मां, ऑडियंस की मां, कमेटी की मां, टाइम की मां नहीं देखता, अल्लाह का बंदा फ्रेंडशिप को नहीं देखता, अल्लाह का बंदा ऑडियंस को नहीं देखता, अल्लाह का बंदा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को देखता है, उसके रसूल को देखता। उलमा से हिंदुस्तान में फतवा दर्ज किया गया, हर आदमी अपने अपने गांव के मुसलमान को मालूम था कि मस्जिद बदली नहीं जाए। मैं यहाँ आपसे अर्ज करूँ, मेरे पास तो मॉरिशस में इतना टाइम ही नहीं कि मैं यहाँ से बाहर निकलूँ, लेकिन मुझे मालूम है कि इसी रोड पर, इसी रोड पर पेट्रोल स्टेशन और पेट्रोल पंप के पास एक मस्जिद थी। आज वो मस्जिद नहीं है। वो मस्जिद कहाँ गई? ये तो बड़े बड़े जो मुसलमान लोग हैं तो कहते हैं कि आई एम मुस्लिम, आई एम सर्वेंट ऑफ मॉरिशस मुस्लिम, उनको देखना चाहिए वो मस्जिद कहाँ। मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं बाहर निकलूं, लेकिन मैं मसला बताता हूँ कि मस्जिद जो होती है वो एंटी टाइम पेन नहीं होती, मस्जिद जो होती है वो कयामत तक के लिए मस्जिद होती है। मस्जिद को खरीदा नहीं जा सकता, मस्जिद को चैन नहीं दिया जा सकता, मस्जिद में दुकान नहीं बनाई जा सकती। मैं जब यहां इमाम था तो जमाने में मुझसे भी यह प्रश्न पूछा गया, जब नई मस्जिद बनती तो मैं पूछता कि ये बताओ कि यहां पहले क्या था, वक्त क्या है। मालूम यह हुआ कि वक्त यहां किसी और काम के लिए है। मैंने कहा कि ये वक्त किसी और काम के लिए है तो मस्जिद नहीं बन सकती, मसल वक्त अगर कब्रिस्तान के लिए, किसी आदमी ने कभी कब्रिस्तान के लिए दी तो वहां मस्जिद नहीं बन सकती, मस्जिद बनी बने
आप जानते हैं क्योंकि मैं रहता हूँ अंग्रेजों के कुर्ब में हूँ और वैसे भी मैं जानता हूँ अंग्रेजों की पॉलिसी अपनी कि ऐसा किया जाए कि ऊपर मस्जिद खुदाए और नीचे खुदाए ऊपर मस्जिद इसमें मेरे दोस्तों मुसलमानों ने हड़ताल की स्ट्राइक की गोली चली और बहुत से मुसलमान शहीद हुए अंग्रेज बड़ा घबराया गवर्नर घबरा क्या है इस तरह से मुसलमानों को समझाया जाए अंग्रेजों ने कहा अच्छा ऐसा कर लो कि नीचे चलने के लिए तो रास्ता रोड स्ट्रीट होनी चाहिए और ऊपर मस्जिद मुसलमानों ने ये स्थान बड़े आदिम बहुत मेरे दोस्तों आज होना ये तो उठा ही रहता है बहुत से लोग आदिम भी है शेख भी है आदिम होना शेख होना पीर होना ये कमाल नहीं कमाल ये है कि वो मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीन पर अमल करे और ऐसे टाइम पर अमल करे जब लोग कहेंगे Yes, के माहौल में अमल करना बड़ा मुश्किल है लेकिन अगेंस्ट सोसाइटी अगेंस्ट हो कम्युनिटी अगेंस्ट हो सराउंडिंग अगेंस्ट हो फ्रेंड फैमिली अगेंस्ट हो तो इस पर भी हम पूरी बात समझ कर अमल करेंगे अल्लाह उसके रसूल का ये बात उस जमाने के आदमी भी ये फतवा दिया कि ठीक है नीचे है नीचे से लेकर आसमान तक मस्जिद हो गई ऐसा नहीं हो सकता कि नीचे तो रास्ता हो और ऊपर मस्जिद हो नहीं हो सकता अगर नीचे मस्जिद है तो ऊपर भी मस्जिद है अगर ऊपर मस्जिद है तो नीचे भी मस्जिद है मस्जिद को चेंज नहीं किया जा सकता इसलिए कानपुर की मस्जिद कयामत तक मस्जिद है और उसके नीचे स्ट्रीट और रोड नहीं बनाया जा सकता और मेरे दोस्त उस फैसले को आज तक कोई चैलेंज नहीं कर सका ये है मेरे दोस्तों सुन्नत को जिंदा और सरकारी को आलम की हदीस के मनाया के सुन्नत जिसने मेरी एक सुन्नत को जिंदा किया फसाद के जमाने में तो उसको सौ शहीदों का सम्मान किया मेरी कहता तो सुन्नत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बना है उसके बाद दूसरी सुन्नत मेरे दोस्तों ये सिर्फ मॉरिशस में ये मुसीबत नहीं है सारे हिंदुस्तान और पाकिस्तान में यही मुसीबत है कि जुमे में खुतबे की जो आवाज होती है वो बिल्कुल उम्र के साथ होती है ये सब अति खराब लेकिन इस पर आवाज कौन निकाले कहे कौन जो कहेगा और उसकी गर्दन पकड़ लेगी मुझसे भी मुझे यही कहा गया कि इतने बड़े बड़े उलमा यहाँ आते भाई उलमा आते हैं मैं सारे उलमा का साथी हूँ लेकिन ये तो बताओ कि जो मैं मसला बता रहा हूँ ये सही है या गलत है अगर ये सही है तो इस पर कौन अमल करेगा आवाम का कसूर नहीं है कसूर है उलमा आलिम को चाहिए कि वो अमल करे बेचारे आवाम आवाम तो इसलिए सादे सुननी है अगर इमाम अहमद रजा के मसलक के मुताबिक आप देखना है कि जुमे की अदा कहाँ होनी चाहिए तो कभी इंतजार में आ पाए और ईदगाह में जुमा आप पढ़े और दीन की अदा कहाँ इमाम अहमद रजा और सुन्नत यह है कि कोई भी अदा मस्जिद में नहीं होनी चाहिए मस्जिद में का मतलब आप समझ लें मस्जिद उस जगह को कहते हैं कि जो नमाज पढ़ने के लिए खास
मस्जिद में तो टॉयलेट भी होता है, मुझे खाना भी होता है, मुझे करने की भी जगह होगी, लेकिन मस्जिद का मतलब यह कि जो जगह नमाज के पढ़ने के लिए खास कर दी मेरे दोस्तों वहां अदा नहीं हो सकती। ये एक फतवा था जो इमाम मोहम्मद रज़ा ने दिया। हिंदुस्तान के उलमा यहूद की बात करते हैं मगर आज तक उसका जवाब किसी के पास नहीं कि मस्जिद में अदा मकरूह है। हाँ, मस्जिद से बाहर निकलकर, यानी मस्जिद से बाहर निकल करके फिर आदत नहीं है, इस अंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। मस्जिद का जो दरवाजा है ये मस्जिद से बाहर है, जहाँ वजू करते हैं वो मस्जिद से बाहर है, मस्जिद का जो टॉयलेट है वो मस्जिद से बाहर है। मस्जिद उसको कहते हैं नमाज सर, नमाज पढ़ने के लिए जो जगह खास कर दी जाए वो बाकी दरवाजा की खाली मस्जिद एक नहीं है, अदा हो सकती है। चुनाच अलहमदुल्ला ये एक मसला आला हजरत इमाम सुन्नत ने हमें इन्ना फसाद उम्मती, उम्मत में जब फसाद हो